हाय चिल्ड्रन। सो हम लोग पढ़ रहे थे आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट डे एट स्कूल, एंड वी वर ट्राइंग टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक वर्ड के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज एक्शन वर्ड्स। आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को डिनोट करने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, या फिर ग्रामर की लैंग्वेज में हम उन्हें कहते हैं वर्ब्स। ठीक है, जिस भी वर्ड से हमें काम करने की या काम होने की फीलिंग हो, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एक्शन वर्ड या फिर वर्ब्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बबल्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ईटिंग, राइडिंग, गोइंग, स्टडिंग, शेयरिंग एंड रिटर्निंग। तो आपको क्या करना है, आपको ये आगे जो पिक्चर दी हुई है उनको देखकर गेस करना है कि इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, कौन सा करेक्ट वर्ब, कौन सा करेक्ट एक्शन वर्ड आपको ब्लैंक में फिल करना है। इट इज़ वेरी ईजी, चलिए हम एक साथ करते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर है फर्स्ट, इसमें ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट को आप क्या करते हैं, खाते हैं ना, एंड खाने को हम कहेंगे ईटिंग। सो वॉट विल यू राइट हेयर, ईटिंग, राइट। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये बॉय है, ही इज डूइंग समथिंग विद द बाइसिकल। अब बाइसिकल को आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। सो चलाने को हम क्या कहेंगे, राइडिंग। देखिए सिर्फ पिक्चर को देख के और किसके साथ हम वो एक्शन कर रहे हैं उसे देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा वर्ड लिखना है। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, डैश टू स्कूल। आप स्कूल में क्या करते हैं, और ये बच्चा चल के जा रहा है, मतलब ही इज Going, जाने को क्या कहते हैं हम, Going, okay? Easy है ना अभी तक। आगे देखिए, आगे इस पिक्चर में कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं और लिखा है विथ फ्रेंड्स। अब आप फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए इन बच्चों के आगे टिफिन बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये सब मिलजुल के शायद खाना खा रहे हैं। सो मिलजुल के खाना खाने को हम कहते हैं शेयरिंग। सो शेयरिंग विद फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये क्लास है, इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, आपको मैम भी नजर आ रही हैं, टीचर नजर आ रही हैं, जो शायद उनको पढ़ा रही हैं। तो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, सो पढ़ने को क्या कहते हैं हम, स्टडिंग, स्टडिंग इन क्लास, ओके। लास्ट में देखिए, ये बच्चा भागकर कहीं जा रहा है, और फ्रॉम मतलब स्कूल से, तो स्कूल से वापस जा रहा है, वापस जाने को हम कहते हैं रिटर्निंग। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बच्चा स्कूल से वापस जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, रिटर्निंग। क्लियर हो गया। सो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, मेक स्मॉल वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड। एक वर्ड दिया गया है वंडर, और इससे आपको और वर्ड्स बनाने हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए, वंडर से वॉन बनता है, वॉन मतलब होता है जीतना। अगर ये लास्ट के 3 लेटर्स को आप आर ई डी लिख देंगे तो बन जाएगा रेड, राइट, है ना। उसी तरह डी ओ एन ई डन होता है। तो इस तरह से आपको कुछ और वर्ड सोचने हैं जो इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनते होंगे, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपको घर पे ट्राई करने हैं। मैं इनका स्क्रीनशॉट भी आपको अभी भेज रही हूँ, एंड आप इसको करिए, यू विल रियली एंजॉय। आई विल सी यू सून, बाय बाय।